अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम फिश फ्राई करने लगे हैं। इसका नाम फिश एंड चिप्स है, जो कि यहाँ इंग्लिश फिश एंड चिप्स ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं। बहुत मशहूर है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती, जस्ट ब्लैक पेपर और सॉल्ट के फ्लेवर के साथ ये खल जाती है। तो पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे और उसके अंदर डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे, और मोस्टली ये फ्राइज के साथ इसको सर्व किया जाता है। चलें तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कप ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लें, मैदा, 1/4 कप कॉर्न स्टार्च ले लीजिए, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब आप इसमें वाटर ऐड कीजिए ग्रेजुअली। तकरीबन मुझे 1 कप यूज़ करना पड़ा था इसमें, और बिल्कुल ही स्मूथ और थिक बैटर इसका तैयार कर लीजिए। आप फील करेंगे, और जब बैटर आप इसको उठाएं ऊपर और चमचे से, अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट बैटर रेडी है। ये मैंने फ़िश ली है, फ़िश फिले बोनलेस तिलपिया है ये, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बस ड्राई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर ना हो। इसको फिले को आप इसको बेशक फुल रखें, इसको हाफ पीसीज में काट लें, आपकी चॉइसेस है कि इसके पीसीज को आपने बड़ा रखना है या छोटा रखना है। फुल फिले भी बहुत अच्छा लगता है। सीजनिंग इसमें इनिशियली जो है मैं सॉल्ट एंड पेपर की करूँगी, ब्लैक पेपर के साथ, और इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें ताकि थोड़ा बहुत इसके अंदर फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाए। फर्स्ट कोटिंग इसकी फ्लावर की दी जाएगी, ताकि इसको मज़ीद ये फिश जो है वो ड्राई हो जाए, इसके अंदर मॉइस्चर अगर थोड़ा सा है भी तो वो फ्लावर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपकी फ़िश को मज़ीद जो है वो ड्राई हो जाएगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर नॉर्मली ऐड किया जाता है जब एंड में, बिल्कुल जब बेकिंग सोडा इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो बबल्स क्रिएट करता है, और जो कि फ़िश को फ्राई करने के दौरान मोर क्रिस्पी बनाती है फ़िश को। ये इसमें डिप कीजिए, और इसका जो एक्सेस बैटर है आप इसको रिमूव कर दें, और ताकि इसकी ज़रा थिन कोटिंग आएगी तो ये फ्राई करते हुए ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक और कोट करेंगे हम फ्लावर का इसके साथ, और अच्छी तरह 3-4 कोटिंग दोनों साइड से अगर आप करें तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रिंकल्स के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं फ्लावर्स के, और बहुत ही अच्छे लगेंगे जब आप इसको फ्राई करेंगे। फिश को फ्राई कर लें, मीडियम हाई फ्लेम पे होना चाहिए, बहुत गर्म तेल ना हो और बहुत हल्का भी ना हो। अगर ज़्यादा गर्म नहीं होगा अच्छा मुनासिब, तो वो फिश को सॉगी कर देगी। ऑयल इसके ऊपर हम डालेंगे ताकि इसके रिंकल्स जो हैं वो सेट हो जाएं अच्छी तरह, और इसकी इसको मज़ीद सेटल कर देगी उसकी शेप को, उसकी क्रिस्प को और उसके पैटर को। दोनों साइड से इसको हम फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी ये नाइस एंड ब्राउन हो जाए। मेरे ख़्याल में ऑलमोस्ट इसको 4-5 मिनट लगेंगे, क्योंकि फिले जो है बोनलेस ज़्यादा टाइम नहीं लेता फ्राई करने में। इसको टार्ट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि सावर क्रीम 1/4 कप ली है मैंने। 1 गार्लिक क्लोव आप क्रश कर लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत बारीक। मैंने इसमें सोया ऐड किया है, थोड़ा सा नमक आपके अपने टेस्ट के मुताबिक, बहुत ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगेगा। वो जस्ट इसको मिक्स कर लें और ये टार्ट सॉस तैयार है। एक और सॉस भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, मायो सॉस। मायो के साथ मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड किया है, क्वांटिटी आप जो भी रखना चाहें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप इसमें हॉट सॉस को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जी तो फिश हो गई है तैयार, इसको सर्व किया है मैंने फ्राइज़ के साथ। मोस्टली इसके जो फ्राइज़ हैं वो काफ़ी थिक रखे जाते हैं, जो कि फ़िश के साथ सर्व किए जाते हैं। ये इंग्लिश स्टाइल की बिल्कुल स्पाइसी नहीं है,
ब्लैक पेपर और सॉल्ट का टेस्ट है, क्योंकि समटाइम हम इंजॉय करना चाहते हैं मीट के अपने फ्लेवर को, उसका जो अपना नेचुरल फ्लेवर है। जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करते हैं तो स्पाइसेस का तो फ्लेवर आता है, मीट का नहीं आता। तो ये उस स्टाइल की फ़िश है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तंदूरी फ़िश, लाहौरी फ़िश या किसी और स्टाइल की जिसमें मोर स्पाइसेस ऐड होते हैं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ये लिंक सामने है, आप इस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।